बेहद जरूरी है, और अग्नि का कंसेप्ट समझा दिया तो पूरा का पूरा आयुर्वेद यहीं से निकल जाता है। अग्नि को समझा दिया तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा काम हो गया। उसके पश्चात जब अग्नि मजबूत होगी तो प्राण शक्ति अपने आप बढ़ी जाएगी, जीवनी शक्ति, वाइटेलिटी। जी, सो लेट्स मूव टू डॉक्टर, टू प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी पेशेंट को बोलोगे कि ये वे ऑफ लाइफ फॉलो करो, और ये है इतना आसान नहीं है, होते होते होता है, तो उनको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि आपको ये लाइफ करनी है और इसको आसान कैसे करेंगे आप? इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस में शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ। माय सेल्फ डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार, आई एम प्रिंसिपल इन द प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज। आई एम इन द टीचिंग फ्रॉम लास्ट 29 ईयर्स। Lifestyle is definitely important subject. It is important topic. That's why it is organized and a special discussion is going on there. अगर आप मेरे experience सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि how it is important, why it is important. College में हम सब teachers एक बार एक जगह जमा हुए थे, बीच बीच में गप्पे मारे थे, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। हमारी समझ में ऐसा आ गया कि एक संहिता का teacher लेट आ गया है, तो मजाक मजाक नहीं, बात दूसरे टीचर्स ने पूछा, अरे भाई क्यों लेट हो गया, ऐसे कैसे लेट हो गए तुम? तो बोले यार मैं सवेरे 8:30 बजे उठा हूँ, मुझे रात को 1 बज गए था सोने के लिए। तो सब ने उसका मजाक उड़ाया, अरे यार तो क्लास में जाके अभी अष्टांग हृदय पढ़ाएगा, ब्राह्मी मुहूर्त उस टीच से पढ़ाएगा, खुद तो रात को 1 बजे सोता है, सवेरे 8:30 बजे उठता है, तो कैसे पढ़ा सकता है उनको? तो पहले तो वो थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं सही बात है, अब दूसरा भी टीचर बोलने लगा तो उसका अहंकार थोड़ा ये हो गया। तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, आप में से कितने सही हो? आप अष्टांग हृदय नहीं पढ़ाते हो, द्रव्यगुण तो पढ़ाते हो, रसशास्त्र तो पढ़ाते हो, काय चिकित्सा तो पढ़ाते हो, आप कितना इन चीज़ों को वाग्भट नहीं कही हुई चीज़ों को फॉलो करती है। अभी वो दूसरे जवाब दे रहे, ये जवाब दे रहे, वो जवाब दे रहे, तो सब ये टॉपिक क्या हो गया, बढ़ गया दिन हमारे बीच में, सब बेचैन हो गए। फिर सब ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट अस सी, लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट। वो यूज टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, इतना जोर जोर से बोलते हैं, हम कितना फॉलो करते हैं। तो टीचिंग में सबको पूछा, मोर देन 75% वी आर नॉट फॉलोइंग। फिर हमने बच्चों को पूछा, बच्चे बोलते हैं सर रात भर जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, 2 तो बचते ही है सोने के लिए, कौन सी पढ़ाई करेंगे, अष्टांग हृदय की, कब तक पढ़ाई करेंगे, रात को 2 बजे तक, हाउ इट इज जस्टिफिकेबल। तो इस पर से सबके दिमाग में आ गया कि लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड करेक्ट आवर लाइफस्टाइल, हम खुद से शुरुआत करें फिर लोगों तक पहुँचे कि लाइफस्टाइल, हाउ लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लिनिकल में भी वही एक्सपीरियंस, कोई भी पेशेंट देखो, when you enter into the causative factors of the disease, you will observe that lifestyle is the main cause which he is not following. उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी टीम बना के, उसमें मेरा भी इनिशिएटिव था, lifestyle in आयुर्वेद इस सब्जेक्ट पर एक लेक्चर तैयार किया। देर वॉज 6 components ऑफ दिस टॉपिक। नंबर 1 इज आहार, नंबर 2 इज विहार, नंबर 3 इज दिनचर्या, नंबर 4 इज ऋतुचर्या, नंबर 5 वॉज मेंटल हेल्थ और मानसिक आरोग्य, एंड नंबर 6 वॉज योगा। उसके बाद में कुछ और भी उसमें ऐड हो गए। तो लेक्चर कुछ जगह पर दिए, दैट लेक्चर वॉज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, पीपल्स ऑल्सो। फिर वो कुछ लेक्चर के बाद उसको हमने वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया। जब हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करते थे, प्रकृति, अग्नि, कोष्ठ, सारता, इंद्रिय परीक्षण, ये सब बातें बोलते थे, कम से कम हम लोगों की ये सब परीक्षा तो करें, लोगों को पता तो हो। अब उसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे दिनचर्या का, जो हमारा टॉपिक हमारे टीचर के साथ हमने डिस्कस किया था, लेट अस पार्टिसिपेट ऑल। ब्राह्मी मुहूर्त उस दृष्टि बहुत सारे लोग करते हैं, हमें से कितने लोग डेली अंजन करते हैं, सप्ताह के बाद रसांजन भी बोला है, कितने लोग तांबुल सेवन करते हैं, कितने लोग व्यायाम करते हैं, प्लीज रेज देयर हैंड। डॉक्टर अभिषेक सर, नमस्ते सर,
This topic is very important after observation of your response. Lifestyle we should follow started from ourself only. तो इस तरह से उसको वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया. बाद में पता चला है कि बहुत सारे लोगों को उनकी विटामिन डी की लेवल मालूम है, बी कॉम्प्लेक्स कितना है मालूम है. कोई कोई पेशेंट साल साल से दवा ले रहे हैं, सर विटामिन डी बढ़ नहीं रहा है, आप आयुर्वेद में कुछ है क्या, लेकिन उनको उनकी प्रकृति मालूम नहीं है. कितने लोगों को हमारी प्रकृति मालूम है अपनी खुद की? दैट्स क्वाइट अ गुड नंबर. हाँ. कितने लोगों को अग्नि मालूम है? That is better. बहुत ही evolved audience है हमारी. So कुछ just a minute, madam. मैं कोहली सर को वंदन करता हूँ, उनके सामने बोल रहा हूँ सर. नहीं 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 चलने दीजिए. कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुछ चीजें खाई और मैं बीमार हो गया. आपने ऐसे देखा है कि गलत चीज खाई और लोग बीमार हो गए? मैंने मेरे लाइफ में आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा कि गलत चीज़ खाई और बीमार हो गया. वो गलत चीज़ खाने से नहीं, वो न पचाने के कारण बीमार होता है. अग्नि इज मोर इम्पोर्टेंट. आई वॉन्ट टू फोकस योर अटेंशन टुवर्ड्स, ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द अग्नि. यू शुड बी अवेयर ऑफ द अग्नि. तो समाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, विषमाग्नि है, मंदाग्नि. ऐसा होना चाहिए हमारे देश में कि किसी शादी में गए तो चार लाइन लगे हैं. एक समाग्नि की लाइन अलग है, विषमाग्नि की अलग है, मंदाग्नि की अलग है. ऐसा होना चाहिए. सवेरे कभी कभी क्या होता है, टॉयलेट जाते हैं लोग, अरे अवेयर ऑफ द कोष्ठ, मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है. क्रूर कोष्ठ है तो टाइम तो लगना है. वी शुड अवेयर ऑफ दैट. अगर ये हम फॉलो करते हैं तो रियल मायने में हम लाइफस्टाइल उसको शुरू करवाने जा रहे हैं. मैडम आपने एक सवाल पूछा था जी कि हाउ यू कन्विंस द पेशेंट्स. पेशेंट बीमार होते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं. लाइफस्टाइल वो फॉलो नहीं करते ये भी एक कारण है. उनका प्रोफेशन भी एक कारण है. बहुत सारे हमारे 42 वर्कशॉप्स मैंने लिए हैं इसके बारे में. तो इट वॉट मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप्स हेयर इन मुंबई एंड एडजेसेंट एरिया एंड सब अर्बन एरिया. लोग सवेरे 7 बजे नाश्ता करते हैं, इडली रवा डोसा खा के ट्रेन में दौड़ते हैं और रात को मेरे पास आ जाते हैं कि सर एसिडिटी बहुत बढ़ गई है. अब उनको सवेरे नाश्ता करना भी. तो प्रोफेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इट. तो दूसरा कैलेंडर, वॉच, अरे कितने बज गए चलो भागो, स्ट्रेस इंक्रीजेस. कैलेंडर, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस. तो ये पॉजिटिव फैक्टर हमने ऑब्जर्व किए. और इन सब चीज़ों के लिए जो हमने गाइडेंस के तौर पर वर्कशॉप का ये किया था, इट वाज मोस्टली आयुर्वेदिक, इट वाज मोस्टली नेचुरल, इट वाज मोस्टली एज फार एज पॉसिबल नो मॉडर्न थिंग्स वेर इंक्लूडेड इन इट. बस दिनचर्या पढ़ो, ऋतुचर्या पढ़ो, आहार ये करो. सब लोग पूछते हैं क्या खाना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कब खाना चाहिए. Which is the right time to take the food according to all of you? You maybe have different timings, 11 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock. But the right answer is, right time to take the food is whenever you are hungry. Don't see the watch. हमारे यहाँ कस्तूरी शास्त्री जी से एक बार मुलाकात हुई अहमदाबाद, जो है पंचकर्मा का बुक उन्होंने लिखा है. लाइफ स्टाइल की शुरुआत जो है, तो लाइफस्टाइल की इसकी शुरुआत जो है एक ऋषि ने की थी. एक गांव में एक ऋषि महाराज रहते थे. उन्होंने कहा था कल से मैं आरोग्य का व्रत रखने वाला हूँ. सब लोग उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि आरोग्य के व्रत में क्या है, हम भी उसको फॉलो करेंगे. तो उन्होंने कहा था कल से मैं खाना खाने के बाद, भूख लगने के बाद खाना खाऊँगा, प्यास लगने के बाद पानी पीऊँगा, नींद आने के बाद सो जाऊँगा. सब ने बोला ये क्या कोई लाइफस्टाइल है, ये तो हम हमेशा फॉलो करते हैं. फिर उन लोगों को पूछा आप नींद आने के बाद सोते हो या पड़े पड़े इंतज़ार करते हो कब नींद आएगी मुझे, या कभी कभी नींद आ रही लेकिन सो नहीं पा रहे, ये लाइफस्टाइल है. देर आर सो मेनी थिंग्स इन द सब्जेक्ट. जो मुझे जितना समय मिला मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा. आई थिंक ये तो सब्जेक्ट चलता ही जाएगा. वी कैन आई प्रोबेबली स्पेंड द होल डे डूइंग दिस. फिर हमारे बाकी पैनलिस्ट को टाइम नहीं मिलेगा. सो लेट्स मूव टू डॉक्टर सौरभ.
डॉक्टर सौरभ, मोस्टली पीपल को इम्प्रेशन है आयुर्वेदा के बारे में जब सोचते हैं तो वो सिर्फ मसाज और ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचते हैं, आपका इस पे क्या कहना है? हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम सौरभ फ्रॉम CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू. आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द साइंटिफिक पार्ट ऑफ our daily lifestyle disorder like obesity, depression, stress. What I feel like plants, we call it medicinal plants or fermentation products, probably can be a remedy to come over with these lifestyle disorders. We have probiotics, which comes under fermentation products, then omega-3 fatty acids. These are the products which are of biological origin by microbes, and these are very good for our health. Like what we have discussed about the ahar, so we should use dahi curd in our daily life, which is a fermentation product. Then omega-3 fatty acids, which is again of microbial origin. Then certain essential oils, the plants like lavender, geranium, these plants also play a very important role in our relieving the stress and anxiety, which leads to further chronic disease like heart and lungs problem. So my submission is like more of the good dietary habits, more of the fermentation-based products, and plant-based products also. Like today we have a presentation of CSIR in which we will show you the different medicinal plants of JNK region, which have immense importance in our daily life. So including these habits in our life with like the rest which has been discussed already, so I'm not going to in detail in much, but I feel fermentation products and plant-based products, as you know, allopathy mostly cures the symptoms, not the cause of the symptoms. However, Ayurveda cures the cause of the symptoms. Like if we have a headache, we take aspirin, it goes out within 15 minutes. But what was the cause? Similarly, the heart trouble which we has discussed, like there is a blockage. So doctor removed the blockage and say that you are cured. But why the blockage has been formed? So there comes the role of Ayurveda. Ayurveda treats with the cause, why it has been done, not the symptoms treatment. So that's my submission. So you think food is the most important thing in Ayurveda? Jo general public ko itna nahi samajh aata ki food is the basis of Ayurveda. Yeah, actually we have to, of course, first priority should be the food, what we are eating. And we should see what we are lacking out of it. Like we have to go the blood test and find out whether we are deficient of calcium, minerals, supplements. So it is not like that ki if some people say doodh peena chahiye calcium, whether you are deficient of calcium or not, you have to first find out what is you are lacking and what is the cause, what is the problem to you. Like it has been discussed as well, you should find out what problem you are facing. Just don't run away with that ki lifestyle hai, toh I have to run, I have to. Like there are many good plants. Lehi berry is a very good plant which has a good, all types of vitamins are available. Generally, like many of us are lacking with the vitamin supplements. So we need not to take the tablets and all that. We can take the fruits. We can include the fruits and we can ferment them and then eat it. So that will give a better lifestyle. Yeah. So Dr. Rajesh, over to you. आप बताइए कि ये सब हम वी ऑल बीन टॉकिंग अबाउट फूड लाइफ स्टाइल एवरीथिंग, लेकिन आयुर्वेदा में ये सब क्या डॉक्यूमेंटेड है या हर एक डॉक्टर का अलग अलग मायना है ऑफ व्हाट आयुर्वेदा इज एंड व्हाट यू शुड डू? इज देयर एनीथिंग दैट इज टोटली डॉक्यूमेंटेड कि आयुर्वेदा ये है? गुड मॉर्निंग, आई थिंक इट्स आवर प्रॉब्लम दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज देयर. The whole healthcare is at the crossroads. If you look at the development in the healthcare after Second World War, the major developments have been the antibiotics and immunization. After 90s, if you look at it, it's basically led by the metabolic syndrome and the disorders which are related to your dietary habits, exercise, and stress. Now, if we are not able to tackle this problem, then who else is going to tackle it?
If you look at it, allopathy, which has absolutely no role in non-communicable diseases or metabolic syndrome, primarily it is us who should educate our patients, our public at large, that lifestyle, we are the custodians of that. But we are not able to do that. Now, as the effect of that, allopathy is taking all the advantage. If you are hospitalized for a heart attack or a stroke or a complication of a diabetes, it is the allopathy hospital which is taking all the advantage. Whereas if you look at the number of people who are suffering from diabetes or the number of people who are suffering from hypertension or the number of people who are suffering from anxiety or depression, number of people suffering from different aspects of metabolic syndrome, obesity and related. So if you look at it, it is primarily our role to educate people about the diet, exercise, and the stress disorders. If you look at it, there are other complicated disorders like autoimmune disorders or endocrine disorders. These are all completely lifestyle disorders. Now, problem is that our own people are not educated enough about the lifestyle. I believe that or we are not motivated enough that this should be the most strong part of our practice. If we are doing the same as allopaths are doing, then definitely there is no match. We will be far behind them. If we have to go ahead of them, then we can cover the largest part of the population which is suffering right now. And then if you look at the warning signals which are coming from WHO, there are two most important things which I want to let you know. One is that if you are 35 and above at this moment, in next 15 years, one of these three problems is going to come to almost everyone, and that is diabetes, hypertension, and cancer. So by the time you reach 50, you will have one of these three problems. You can have more. So that is one. The second is that the third generation of antibiotics is developed